क्वेश्चन नंबर 24, 6 मार्क्स, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में से है आपके पास क्वेश्चन। फिर से ऑप्शन, पहला आपका मैट्रिक्स मेथड से है और दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो सबसे पहले देखो, आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको इनवर्स निकालना है, एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यू हैव टू दिस। दैट मीन्स कि हेंस का मतलब फिर से क्या आ गया, कि इस इनवर्स को यूज़ करके आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपके पास सबसे पहले ए गिवन है, दैट इज 113, 101, 12 और 1। तो यहाँ से हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए जब आप निकालोगे तो 1 ऑफ 0 माइनस 2 माइनस 1 ऑफ 1 माइनस 6 प्लस 1 ऑफ 1 माइनस 0। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, दिस इज माइनस 2, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस 6 प्लस 1, सॉरी दिस इज प्लस 5, राइट। तो ये आपके पास आ गया 4, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। उसके लिए हम क्या करते हैं, a11, a12, a13, सिमिलरली a21, a22, a23, a31, a32 और a33। इस तरह से हम लिखते हैं तो हमें ट्रांसपोज नहीं लेना पड़ता। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। तो यहाँ पर 3 प्लस 3 6 है, इवन है। अब देखो, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर हम छोड़ दें तो 0 माइनस 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये -2। a12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 माइनस 6 इज -5, तो ये कितना आ जाएगा, +5। 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज 1। a21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 माइनस 1 0। a22, दिस इज योर -2। a23, -2 आ रहा है तो ये हो जाएगा +2। a31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 माइनस 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 माइनस 1 इज 1, तो -1। 3 3, 1 माइनस 1। तो ए इनवर्स, उससे पहले एडजॉइंट ए लिखेंगे। एडजॉइंट ए एज इट इज उतार देते हैं, तो -2 5 1 0, -2 2 2, -1 एंड -1। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, इनवर्स। तो ए इनवर्स आपके पास होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ए था 4 और एडजॉइंट ए जो हमने अभी निकाला वो एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। तो ये तो आपके पास आ गया फर्स्ट पार्ट। अब हमें क्या करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब अगर हम इक्वेशंस देखें तो इक्वेशंस देखो, आपके पास पहला क्या है, 1 1 1, तो आपके पास यहाँ पर भी फर्स्ट रो क्या है, 1 1 1। सेकेंड है 1 0 2, दिस इज 1 0 2। देखो, x 1 y नहीं है तो 0 और z 2, और 3 1 1 मीन्स 3 1 1, तो एज इट इज़ है आपके पास ए। तो आपके पास ए सेम यही आएगा जो आपके पास गिवन है। तो इक्वेशन आपके पास क्या होती है, ए एक्स इक्वल टू ए बी इक्वल टू एक्स, राइट। तो ए आपके पास क्या गिवन है, जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, और वो मैट्रिक्स देखो आपके पास क्या है, यहाँ से 1 1 1, दिस इज 1 1 1, 1 0 2 एंड 3 1 1, 1 0 2 एंड 3 1 1, ठीक है। और बी आपके पास क्या है, जो कांस्टेंट्स हैं इक्वेशन के, वो कांस्टेंट्स क्या हैं, 6 7 और 12, दैट इज 6 7 और 12, और एक्स इज एक्स वाई जेड। तो यहां से हम लिखते हैं, आपके पास क्या आ जाता है, ए, ये ए है आपके पास, ये आपके पास बी है मैट्रिक्स, और ये आपके पास एक्स है। हमें क्या निकालना है, एक्स। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, एक्स इज ए इनवर्स बी, राइट। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है ना, क्योंकि ए एक्स इक्वल टू बी आता है, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो एक्स आपके पास क्या होता है, ए इनवर्स ऑफ बी। ए इनवर्स अभी हमने निकाला है 1/4 ऑफ एडजॉइंट ए, दैट इज -2 0 2 5, -2 -1 1 2 और -1,
और बी आपके पास है 6, 7 और 12, तो इसे हम सॉल्व करेंगे. व्हाट वी गेट, वी गेट एक्स वाई एंड जेड. तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1/4 ऑफ -12 प्लस 0 प्लस 24, दिस इज 30 माइनस 14 माइनस 7, दिस इज 6 प्लस 14 माइनस 12. तो ये आपके पास आ रहा है 1/4 ऑफ 12. यहाँ आपके पास कितना आ रहा है, दिस इज योर 4 एंड दिस इज योर 20 माइनस 12, तो 8. तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू 3, 1 एंड 2. तो दिस इम्प्लाइज x इज 3, y इज 1 एंड z इज इक्वल टू 2. दैट इज योर आंसर. इसी के ऑप्शन में जो आपके पास है वो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का. हमें इन्वर्स निकलना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो उसके लिए हम लिखते हैं a इज इक्वल टू i इंटू a. तो आपके पास क्या है, 1 -1 0, 2 3 -2, -2 0 and 1 इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी सेम ऑर्डर का 0 0 1 और a एज इट इज. अब यहाँ हम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे ताकि इसे a इनवर्स बना दें और इसे i. और इसे i बनाने के लिए सबसे पहले इसे 0 बनाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है. तो चेंज होगा सेकेंड रो में. सेकेंड रो में क्या चेंज होगा, R2 + R1. अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0. तो सेकेंड रो चेंज होगी, फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगा, 3, 5 -2, 0 -2, 1. यहाँ भी वही करेंगे, फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो हम ऐड करेंगे फर्स्ट में, तो 1, 1, 0, 0, 0, 1 ऑफ ए. अगला स्टेप क्या होगा, वी हैव टू मेक दिस एज 1. इसे 1 बनाने के लिए सेकेंड रो में अब हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो R2 by 5. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1, 2 -2, 0, 1, -2 by 5, 0, -2, 1. सेकेंड रो यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपके पास आ जाएगा 1 by 5, 1 by 5, 0, 0, 0, 1 एंड ए. ये आ गया. अगला स्टेप हमारे पास होगा, इसे और इसे 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ सेकेंड रो. तो यहाँ हम ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, R1 में हम क्या करेंगे, R1 -2R2, और R3 में हम क्या करेंगे, R3 + 2R2. सेकेंड रो को यूज़ करेंगे. तो अब आपके पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ से दिस इज़ योर 1, दिस इज़ 0. इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -6/5. सेकेंड रो आपके पास एज इट इज़ रहेगी, -2/5. थर्ड में फिर से R3 में, R3 + 2 × R2, तो ये तो 0 रहेगा. ये आपके पास क्या हो जाएगा, फिर से 0, और ये आ जाएगा आपके पास 1/5. सेम ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे कहाँ, राइट हैंड साइड में. तो R1 में R1 -2R2, तो 1 - 2/5, दैट इज़ 3/5, दिस इज़ -2/5, दिस इज़ 0. सेकेंड रो आपके पास एज इट इज़ रहेगी, और थर्ड रो में R3 + 2R2, तो 2/5, दिस इज़ अगेन 2/5, और दिस इज़ योर 1 ऑफ ए. अब ये भी आपके पास 0 बन गया. अगला स्टेप क्या है, वी हैव टू मेक दिस एज 1. इसे 1 बनाने के लिए अब हम क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई. R3 में क्या करेंगे, 5R3, तो 1, 0 -6/5, 0, 1 -2/5, दिस इज़ 0, 0 एंड 1. यहाँ भी R1 और R2 सेम रहेंगे, दिस यहाँ 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, सो वी गेट दिस, राइट. अगला स्टेप, वी हैव टू मेक दिस 2 एलिमेंट्स एज 0. तो इसे 0 बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, 2 ऑपरेशंस, R2 में R1 में R1 प्लस 6/5 ऑफ R3, और R2 में
आर टू प्लस टू बाई फाइव ऑफ आर थ्री, ये अप्लाई करें तो ये तो आपके पास बन गया कंप्लीट। यहाँ पर अब आपके पास आर वन चेंज हो रहा है, मीन्स थ्री बाय फाइव प्लस सिक्स बाय फाइव इंटू टू, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से थ्री। दिस इज माइनस टू बाय फाइव प्लस सिक्स बाय फाइव इंटू टू, तो ये आपके पास आ रहा है टू। दिस सिमिलरली दिस इज सिक्स। सेकेंड रो में फिर से चेंज हो रहा है, देन इट इज़ योर वन वन एंड टू, और थर्ड रो आपके पास क्या रहेगी सेम ऑफ ए। ये बन गया आई, ये है ए, तो ये क्या बन जाएगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आपके पास क्या आ गया, दिस इज थ्री टू सिक्स वन वन टू एंड टू टू एंड फाइव। सो दिस इज योर ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, राइट।